क्वेश्चन नंबर टू इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. अब आपके पास जो फ्रैक्शन गिवन है आपसे कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट करें और जो आंसर है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें. इसके इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं. इसका क्वेश्चन नंबर टू का जो फोर पार्ट है इनका मेथड सेम है, ठीक है. नंबर्स चेंज हो रहे हैं लेकिन मेथड सबका सेम है. फोर पार्ट क्वेश्चन नंबर टू, फोर पार्ट टू माइनस फाइव बाय सिक्स. तो टू बाय वन डिनोमिनेटर में वन लगाया, टू बाय वन माइनस फाइव बाय सिक्स. अब वन और सिक्स कैल्शियम सिक्स होगा तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होना चाहिए, सिक्स. तो इसीलिए सिक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. अब आपके पास यह आ जाएगा ट्वेल्व बाय सिक्स माइनस फाइव बाय सिक्स. इस कैल्शियम लेंगे तो ये सिक्स आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा ट्वेल्व माइनस फाइव, ट्वेल्व माइनस फाइव गिव सेवन, सेवन बाय सिक्स. अभी तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, अब आपने इसको डिवाइड करना है. अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म का ना कहता तो फिर यहाँ तक भी आंसर ठीक था. सेवन बाय सिक्स को डिवाइड करेंगे तो वन होल वन बाय सिक्स आ जाएगा. दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर टू फोर पार्ट इज टू माइनस फाइव बाय एट माइनस टू बाय एट. टू माइनस फाइव बाय एट माइनस टू बाय एट. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो टू बाय वन माइनस फाइव बाय एट माइनस टू बाय एट. देखें ये भी एट है, ये भी एट है, लेकिन यहाँ पर एट नहीं है. तो एट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं ये वैसे ही जैसे हमने पहले किया, क्योंकि यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. अगर वो यहाँ पर ना भी लिखे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. तो एट से डिवाइड और एट से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया सिक्सटीन बाय एट. अब यहाँ पर एट 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 यानी डिनोमिनेटर सेम हो गया. अब जब एलसीएम लेंगे तो एट आएगा, ऊपर आ जाएगा सिक्सटीन माइनस फाइव माइनस टू. इसको सॉल्व करेंगे तो सिक्सटीन माइनस सेवन, सिक्सटीन में से सेवन को माइनस करें तो नाइन आएगा, नाइन बाय एट. नाइन को एट पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन होल वन बाय एट. एंड दिस इज आवर आंसर. द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर टू इज फोर्टीन माइनस एटीन बाय थर्टी नाइन माइनस एट होल वन बाय थर्टीन. अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक तो यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, दूसरा ये सिंपल फॉर्म इसके अभी तक नहीं है, फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट नहीं हुआ हुआ, और तीसरी चीज़ कि इनकी डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है. तो सबसे पहले ये काम करना है कि यहाँ पर वन लगाना है नीचे और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, एटीन को थ्री से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते होते हैं जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, ठीक है. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ये तरीका है. वन ज़ीरो फाइव ओवर थर्टीन आ जाएगा. आप अगर देखें तो डिनोमिनेटर चेंज है तो 39 और 30 का जो डिनोमिनेटर आएगा वो 39 आएगा, ठीक है. लेके चेक कर लेना है 39 और 13 का जो डिनोमिनेटर सॉरी एलसीएम है वो 39 आएगा. आप 1 को 39 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 39 आएगा, ठीक है. यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर 13 को किस से मल्टीप्लाई करें, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 39 आएगा. तो ये आ जाएगा 546 ओवर 39 माइनस 18 बाय 39 माइनस 105 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आएगा, 315 ओवर 39. अब ये आ गया 39 पर क्या आ जाएगा 546 माइनस 18 माइनस 315. इसको सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है. माइनस माइनस प्लस 315 प्लस 18 साइन माइनस के आएगा. फिर 546 में से उसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 213 बाय 39. इसको सिंप्लीफाई अगर मज़ीद किया जाए तो ये आपके पास आता है 71 बाय 13, ठीक है. 71 को 13 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 होल 6 बाय 13. एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर टू. रिमेनिंग पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर वन और टू के वो आपका होमवर्क है, ठीक है. नंबर्स चेंज है और जितना डिफरेंस आ रहा था जो तरीके थे मैंने आपको बता दिए. बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने, आपका होम टास्क है.